और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। ये कारी साहब हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब, ये हाफज भी हैं और हाजी भी हैं। जी 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 राण साहब। और इंतहाई अफसोसनाक वाक्य है, मैं जो है इनके साथ इस गम की घड़ी में इनके साथ हैं, ये FIR करवाने में और सारे मामले में मजीद भी आगे कानूनी चाराजोई करने में इनके साथ हैं। मैं राणा बरनबस यू एडवोकेट, हमेशा ऐसे जो जुल्म हो रहे हैं, जो ऐसे ज्यादतियां हो रही हैं, वहां पे खड़ा भी हूं और हमेशा ऐसे लोगों का साथ भी हूं। और खुदावंद के फजल करम से कारी साहब को जो है वो बल्कि सजा भी होगी और बच्ची को और उसके माँ बाप को जरूर इंसाफ मिलेगा। जी बहन, आप में से कुछ कोई बताना चाहेगा? सारी दुनिया आपको देख रही है, हमें बड़ा अफसोस है कि 3 साल की बच्ची से के साथ ज्यादती की गई है मोहम्मद सलीम साहब ने, और आप सब बड़े परेशान हैं, मुझे बड़ा अफसोस है। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखाता चलूँ, बच्ची की वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्ची का जो वालद है बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी ये मेरा भाई जो भाई हॉस्पिटल वालों ने आपको आगे कौन से हॉस्पिटल रेफ़र किया है? जी ये मुंशी हॉस्पिटल, मुंशी हॉस्पिटल में सगिया वाली साइड पे। एक दफ़ा फिर से नाज़रीन, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर कीजिएगा मिनिस्टर इजाज़ आलम साहब, MPA हरून साहब और मैडम शनीरा रूह को। मेरी दरख्वास्त है कि ये 3 साल की बच्ची, ये हमारी मसीही फैमिली है, इनके साथ खड़े हों और इनको इंसाफ दिलाने में इनकी मदद करें।